फ्रेंड्स को आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड आज की जो वीडियो है ना वो हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेल किया कि मैं प्राइवेट पार्ट और अंडर आर्म्स को लाइटन करने के लिए कुछ रेमेडीज बताऊँ आपको। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो अंडर आर्म्स है, जो प्राइवेट पार्ट है, वो काले क्यों हो जाते हैं। कारण जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप उसे अवॉइड करें और डार्क होने से बचा सकते हैं अपने प्राइवेट पार्ट और अंडर आर्म्स को। सो सबसे पहले हम कारण जानेंगे, उसके बाद हम कुछ होम रेमेडीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत महंगी महंगी क्रीम्स भी आती हैं इसके लिए, बट जब वो काम आपके किचन के इंग्रेडिएंट कर सकते हैं तो इतना खर्चा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपका कलर चाहे जो है, आपकी बॉडी चाहे किसी भी कलर की है, गोरा, काला, सांवला, सारा रंग जो होता है वो ब्यूटीफुल होता है। तो अपनी स्किन टोन से कभी भी शर्मिंदगी आपको फील नहीं होना चाहिए। आप किसी भी कलर के हो, आपको कॉन्फिडेंस एंड हैप्पी फील करना चाहिए। सो सबसे पहले जो अंडर आर्म्स एंड जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, जब हम पैदा होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी जो होती है वो सेम कलर की होती है। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे जो अंडर आर्म्स होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, वो काले होते जाते हैं, कुछ हमारी गलतियों से और कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले स्पेशली फीमेल्स को अपने जो प्राइवेट पार्ट हैं उन्हें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, हेयर रिमूव कर लेना चाहिए एंड हमेशा साफ़ सफाई रखनी चाहिए। क्योंकि जो फीमेल्स का प्राइवेट पार्ट होता है उसे ओपन जेनिटल बोलते हैं, क्योंकि ये ओपन होता है एंड हमें इन्फेक्शन मेल से ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है हम लोगों को। सो इसलिए हमें अपनी साफ़ सफाई का, पर्सनल हाइजीन का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली जो गलती हम लोग करते हैं वो होता है हेयर रिमूवल क्रीम्स का यूज़ करना। हम लोग अपने प्यूबिक हेयर्स को रिमूव करने के लिए हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ करते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में हमारे उन पार्ट्स को काला करते जाते हैं। इसके अलावा टाइट कपड़े पहनना, जो लोग भी बहुत ज़्यादा टाइट और सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, स्पेशली यूथ आजकल, और इसमें कोई गलत नहीं है, आप पहनो, बट जब आप घर पे हो, जब आप फ्री हो, तो कोशिश करो कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनने के लिए, ताकि आपकी जो स्किन है वो ब्रीथ कर सके, पसीना ना हो आपको। क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना होता है, पसीने में यूरिक एसिड होता है और इसकी वजह से बैक्टीरिया आते हैं और बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होता है एंड डार्कनेस बढ़ जाती है। तो पसीना होने से पसीना जब अंदर ही अंदर रह जाता है, क्योंकि जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं, जो टाइट कपड़े होते हैं, उनसे हमारी स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, सांस नहीं ले पाती है। सो ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनने की कोशिश किया करो। इसके अलावा कुछ स्किन इन्फेक्शन की वजह से भी हमारा जो ये पार्ट होते हैं वो डार्क हो जाते हैं, कुछ विटामिन की कमी से भी ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको प्रोबायोटिक ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, जैसे कि दही। दही अगर आप अपनी डाइट में रोज़ शामिल करोगे तो आपके अंडर आर्म्स एंड प्राइवेट पार्ट को काला करने से रोका जा सकता है। इसके अलावा ये कुछ अनुवांशिक भी होता है जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके माँ बाप को है ऐसी प्रॉब्लम तो आपको भी हो जाएगी। इसके अलावा एज जब हमारी बढ़ती है, जब हम फर्टिलिटी के एज में आते हैं, या फिर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, तब भी, जैसे कि प्रेगनेंसी के चौथे हफ्ते से आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वो डार्क होना शुरू हो जाते हैं। ये प्रेगनेंसी का एक लक्षण होता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। कर ये सकते हैं कि कुछ सिंपल सी होम रेमेडी से वापस से उस कलर को पा सकते हैं, अपना जो नेचुरल कलर है उसे वापस ला सकते हैं। सो ये हो गया हार्मोनल कारण की वजह से होते हैं, होता है ऐसा। इसके अलावा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करने के लिए, जैसे कि सोप या वेजाइनल वॉशेस जो मार्केट में आते हैं, जिसमें कि खुशबू होती है, परफ्यूम यूज़ होता है, या फिर जो हमारे अंडर आर्म्स में हम लोग बहुत बार पसीने की जो स्मेल होती है उनके लिए परफ्यूम यूज़ करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन केमिकल्स से भी हमारे ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो डार्क होने लगते हैं। सो इसके अलावा कुछ बीमारियों में, जैसे कि PCOD की जिनको प्रॉब्लम होती है, उनके भी अंडर आर्म्स एंड प्राइवेट पार्ट जो होते हैं वो डार्क होने लगते हैं। सो ये तो हो गए कॉसेस इतने सारे कि क्यों आपके जो जो प्राइवेट पार्ट हैं, जो अंडर आर्म्स हैं, वो क्यों काले हो रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप काला होने से रोक सकते हैं। एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंपल सी होम रेमेडीज जिन्हें करके आप अपना जो नेचुरल स्किन कलर था उसे पा सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है नींबू का रस। नींबू के रस में विटामिन सी पाया जाता है और ये डेड स्किन को हटाने के लिए सबसे अच्छा होता है।
बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप फीमेल हो तो जो हमारा मैंने पहले ही बताया कि ओपन जेनिटल होता है, सो आपको अंदर के एरिया में नींबू नहीं जाने देना है। आपका जो बाहर का पार्ट है, प्राइवेट पार्ट या फिर अंडर लेग या फिर आपका जो अंडर आर्म है, वहाँ पे आप नींबू का रस आपको ले लेना है कटोरी में, एक कॉटन बॉल लेना है, उसमें डिप करके आपको जहाँ भी आपको डार्कनेस ज़्यादा लग रही है वहाँ पे लगा लेना है, 5 मिनट छोड़ देना है, उसके बाद पानी से धो देना है। अब नींबू के रस को आप दिन में 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, और जितना लंबा चाहो उतना लंबा, जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिल जाए तब तक आप यूज़ कर सकते हो, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे एंड नींबू का रस जो होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके अलावा आप नींबू के रस में शहद मिला के भी सेम चीज़ कर सकते हो, कॉटन बॉल से उसको लगाइए, 5 मिनट छोड़िए एंड धो दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी डार्कनेस कम होगी और शहद की वजह से आपकी जो वो स्किन है वो सॉफ्ट हो जाएगी, कोमल हो जाएगी, तो ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी। जो बहुत लोग के मतलब डार्कनेस के साथ कड़ी भी हो जाती है वहाँ की स्किन, तो वो लोग शहद भी उसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल आप सभी को पता है कि ये हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप अपने अंडर आर्म्स, अपने प्राइवेट पार्ट्स में एलोवेरा जेल को लगा सकते हो। उसको लगाने से आपका जो ये पार्ट होता है वो हाइड्रेट रहता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाएगा एंड उसकी डार्कनेस भी कम हो जाएगी। तो एलोवेरा जेल को भी आपको लगाना है, 5 मिनट छोड़ना है, उसके बाद धो देना है। इसके अलावा नारियल का तेल भी आप लगा सकते हो, पपीता लगा सकते हो, पपीता, पपीते से अगर आप मसाज करते हो, मतलब पपीते को अगर आप मेस करके लगाते हो अंडर आर्म में, प्राइवेट पार्ट में, तो इसमें पपाइन एंजाइम होता है जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आप पपीते का भी यूज़ कर सकते हो। सो ये तो सारी चीज़ें हो गई जो छोटी छोटी चीज़ें हैं होम रेमेडीज हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है, एक स्क्रब है। अगर आपको ये सारी जो चीज़ें मैंने अभी ऊपर बताई ये लॉन्ग टर्म में आपको इफ़ेक्ट देंगी, बट अगर आपको जल्दी इफ़ेक्ट चाहिए तो मैं आपको एक स्क्रब बताने वाली हूँ। वो अगर आप यूज़ करते हो मेरे बताए हुए तरीके से तो 30 मिनट्स में ही आपके जो ये डार्कनेस है उसमें तुरंत आपको इफ़ेक्ट नज़र आ जाएगा, और 2-3 बार के यूज़ में ही आपके जो प्राइवेट पार्ट जो अंडर आर्म्स है वो मतलब नेचुरल कलर में वापस आ जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। सो उस स्क्रब के लिए आपको लेना है 1 चम्मच एलोवेरा जेल। आप सभी को पता है एलोवेरा जेल जो होता है ना उसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं एंड ये स्किन को लाइटन करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर आपको इसमें मिक्स करना है 1 चम्मच सूजी। सूजी जो होती है वो एक तो स्क्रब का काम करेगी एंड सेकेंड ये एक लेयर बनाती है हमारे स्किन पे, सो दैट बाहर से जो इन्फेक्शन वगैरह है वो नहीं आएगा एंड आपकी जो स्किन है उसका कलर और डार्क होने से ये रोकेगी। इसके बाद होता है बेसन, 1 चम्मच ही आपको बेसन इसमें मिक्स करना है। बेसन जो होता है वो उसकी क्लिनजिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है एंड जितने भी लोग DIYs बनाते हैं ना बेसन उनका फेवरेट होता है, बिकॉज बेसन आपके कलर को लाइटन करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है एंड इसमें और भी बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें होती हैं। एंड तो आपको इसके लिए 4 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमने 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है, फिर 1 चम्मच ही सूजी लेना है, 1 चम्मच बेसन लेना है और फिर लास्ट में इस स्क्रब में हम लोग डालेंगे 1 चम्मच कोई सा भी टूथपेस्ट, बिकॉज किसी भी टूथपेस्ट में, कोई भी नाम मैं नहीं लूँगी, कोई सा भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो क्योंकि सारे टूथपेस्ट में सोडियम लॉरेंट सल्फेट होता है जो झाग के लिए डाला जाता है टूथपेस्ट में, और इसके अंदर स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है, ये आपके स्किन के कलर को बहुत जल्दी लाइट करता है। सो 1 चम्मच आपको टूथपेस्ट डालना है, 4 चीज़ों को मिक्स कर लेना है, इसको जहाँ पे भी आपको डार्कनेस हो रही है, इवन अंडर आर्म प्राइवेट पार्ट के अलावा आप एल्बोज पे या फिर नीज पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डार्कनेस हो रही है, तो इसको लगाइए और 15 मिनट छोड़ दीजिए। जब ये ड्राई हो जाए तो हल्का हल्का हाथों में पानी लगा के इसको स्क्रब करना है आपको, और स्क्रब करके हटाना है। पहली बार में आपको इफेक्ट दिख जाएगा एंड 2-3 बार यूज़ करने के बाद आपका जो नेचुरल कलर था वो
वो वापस आ जाएगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छी लग गई है तो लाइक कर दीजिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए वीडियो कैसी लगी और सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनको भी ये प्रॉब्लम हो रही हो, पता नहीं, सबके साथ शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी है तो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ तक देखा है तो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए।